हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम घर में, ऑफिस में या इंडोर स्पेंड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडोर की एयर में पोल्यूटेंट पाए जाते हैं? अभी इन पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन लेवल बाहर पाए जाने वाले पोल्यूटेंट के कंसंट्रेशन लेवल से काफ़ी हाई होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। सोच रहे होंगे ये पोल्यूटेंट घर में आते कैसे हैं। ये पोल्यूटेंट घर में हमारे साथ ही आते हैं। हम घर में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक प्रोडक्ट, ग्रीस, पॉलिशेस, डिटर्जेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। इनसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते रहते हैं, लाइक जाइलिन, टॉलविन, बेंजीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन एक्सेट्रा, जो कि हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सो इस प्रॉब्लम का एक नेचुरल सोल्यूशन है कि हम घर में कुछ प्लांट रखें। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं, ये काफ़ी रिसर्चर्स द्वारा प्रूफ हुआ है कि प्लांट ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली हमें एयर को प्यूरीफाई करते हैं इन टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करके। लेकिन मैं आज आपसे 5 इंडोर प्लांट डिस्कस करूंगी, जो कि काफ़ी हार्डी हैं एंड इजी टू मेंटेन भी हैं। सो इन माय लिस्ट फर्स्ट प्लांट इज जीजी प्लांट। ये प्लांट काफ़ी हार्डी है एंड इजी टू मेंटेन है। इसे ब्राइट लाइट या डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं होती है, ये मीडियम लाइट या लो लाइट में काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है। इसे मैं 10 से 12 दिन पर वाटर देती हूँ। हमारे इन्वायरमेंट में जाइलिन, टॉलविन है, इनको एब्जॉर्ब करके हमारे एयर को प्यूरीफाई करता है। सेकेंड प्लांट एग्लोनिमा, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसे मैं वीकली वाटर देती हूँ। ये हमारे इन्वायरमेंट जो जाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके हमारी एयर को क्लीन करता है, प्यूरीफाई करता है। सेंसेविरिया, इसे स्नेक प्लांट या मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं। इसे भी डायरेक्ट लाइट पसंद नहीं होती है, मीडियम लाइट एंड लो लाइट में काफ़ी अच्छा सर्वाइव करता है। ये हमारे इन्वायरमेंट में जो फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टॉलविन होते हैं इनको एफिशिएंटली रिमूव करता है और हमारी एयर को प्यूरीफाई करता है। इसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। मैं इसे 15 से 20 दिन पर एक बार वाटर देती हूँ। नंबर 4 मनी प्लांट पोथोस, इसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हर घर में देखा जा सकता है, मोस्टली हर घर में पाया जाता है। इसे हम स्पेशली वेल्थ से रिलेट करते हैं, पर वेल्थ का तो पता नहीं, हेल्थ जरूर अच्छी रखता है ये हमारी, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन रिलीजर है और ये हमारी इन्वायरमेंट जो फॉर्मेल्डिहाइड, जाइलिन, टॉलविन होते हैं उनको एफिशिएंटली रिमूव करता है, हमें एयर को प्यूरीफाई करता है। इसे वाटर रिक्वायरमेंट बाकी इंडोर प्लांट के कंपेयर थोड़ी ज़्यादा होती है। इसे मैं 3 से 4 दिन पर वाटर देती हूँ और जब भी वाटर देती हूँ इनकी पत्तियों पर भी स्प्रे कर देती हूँ। नंबर 5 रबर प्लांट, इसे भी बाकी इंडोर प्लांट के कंपेयर थोड़ी ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल पसंद होती है। इसे मैं 3 से 4 दिन पर वाटर देती हूँ। इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद होता है, डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर इसकी लीव जल जाती हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट में जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उन्हें काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करके हमारी एयर को प्यूरीफाई करता है। सो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल एंड लाइक बटन। अब हम मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।